हे दोस्तों, आप चार तरीकों से पैसे कमा सकते हो नॉर्मल सेंस में। पहला जॉब करके, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड होके मतलब अपना खुद का कुछ करके, तीसरा एक बिजनेस क्रिएट करके, या चौथा इन्वेस्टमेंट करके। अब ये चारों तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, नो डाउट। लेकिन कितना और कैसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि देखो, पहले दो ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं वो होते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इनमें आप तब तक ही पैसे कमा पाओगे जब तक आप खुद काम कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। तब तक काम करना बंद तो फिर पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे दो ऑप्शन जो है वो पैसिव इनकम हो सकते हैं, मतलब ऐसे तरीके से पैसे कमाना जिसमें हमें खुद हमेशा काम करने की जरूरत नहीं होती, और अगर हम कल को काम बंद भी करेंगे तो भी हमारी इनकम आना बंद नहीं होगी। मतलब समझो पेंशन टाइप, लेकिन उससे भी बेटर। दुनिया के जितने भी बिलियनर्स हैं वो सबके सब इतने अमीर बने हैं या तो फर्स्ट बिजनेस करके या तो सेकंड इन्वेस्टमेंट करके, और ये फैक्ट है। इसीलिए अगर आपको भी अमीर बनना है और पैसिव इनकम कमाना सीखना है तो आपके लिए भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे बेटर ऑप्शंस है। अब बिजनेस में कैसे चैंपियन बनना है और बिजनेस रिलेटेड यूजफुल वीडियोस मैं डालता ही रहता हूं, जो आप यहां क्लिक करके या मेरे बिजनेस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इतनी बातें नहीं की है, जो कि एक्चुअल में पैसिव इनकम के लिए बहुत बार बिजनेस से भी ज्यादा बेटर हो सकता है। सो आज हम इन्वेस्टिंग की ही बात करेंगे। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान है और जो आप बोल सकते हो दुनिया के नंबर वन इन्वेस्टर है, वो बोलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है तो उसके लिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बेस्ट बुक है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट बफेट ने इसी बुक को दिया है। ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है, जो वॉरेन बफेट के मेंटर थे। सो बेस्ट है कि हम भी इस बुक की बातें जरूर सीखें। अब इन्वेस्टिंग, ये चीज सुन के बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, SIP, इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या होता है, और ये चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसे समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए या ऐसा कुछ। बट वॉरेन बफेट ये नहीं मानते। उन्होंने इस बुक के स्टार्टिंग में ही कुछ पॉइंट्स प्रीफेस में बताए हैं, जिसमें से सबसे पहली बात यही है कि एक ग्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको हाई IQ या बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, और बस फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करके आप इजीली एक बहुत अमीर इन्वेस्टर बन सकते हो, जो आपको इस बुक से सीखने मिलेंगी। सो अभी मैं आपके साथ इसी बुक के कुछ की फंडामेंटल्स पॉइंट शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पेक्यूलेटर वर्सेस इन्वेस्टर। अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है आपको एक रियल इन्वेस्टर बनना होगा, ना कि एक स्पेक्यूलेटर। देखो, इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में तीन मेजर डिफरेंस होते हैं। पहला, स्पेक्यूलेटर लोग सुनी सुनाई बातों पर एक्साइटेड होके मार्केट में जिस स्टॉक के दाम बढ़ रहे हैं उसे खरीद लेते हैं, बिना उस कंपनी के बारे में अच्छे से कुछ जाने। जबकि जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उस कंपनी का थरली एनालाइज करते हैं। बिजनेस क्या है, पैसे कैसे कमा रही है कंपनी, और क्या आगे भी ऐसे ही कमा पाएगी या नहीं, ये सब अच्छे से एनालाइज करते हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरी चीज, स्पेक्यूलेटर जो होते हैं वो जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, रिटर्न्स चाहते हैं। मतलब अगर वो कुछ पैसे डाल रहे हैं किसी स्टॉक या बिजनेस में तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें 50% या ऐसे ही बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिले, और वो भी एक साल के अंदर या जल्दी से जल्दी। जबकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये बात समझते हैं कि जेन्युइन रिटर्न्स, जो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा होगा, वैसे रिटर्न्स आने टाइम लगता है, और वो अपने इन्वेस्टमेंट से बस एडिक्वेट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि बहुत ज्यादा। और यहाँ एडिक्वेट रिटर्न्स कितने एग्जैक्टली होते हैं ये ऑथर ने नहीं बताया है, बट आप यूजुअली समझो 11% से 20% रिटर्न्स। और अब लास्ट, तीसरी चीज, स्पेक्युलेटर जो होते हैं वो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। प्रिंसिपल मतलब वो पैसे जो आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो। स्पेक्युलेटर ये ज्यादा सोचते हैं कि उन्हें रिटर्न कितने मिलने वाले हैं उनके पैसे से, पर जबकि वो उस पैसे को जो उन्होंने डाला है उसकी सेफ्टी पर इतना ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो अपने डाले हुए पैसे की सेफ्टी पर पहले ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो उन चीजों को खरीद लेते हैं जिनकी वैल्यू एक्चुअल में कम है और बस मार्केट हाइप की वजह से ज्यादा है, ना ही वो ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जो सच में वैल्यूबल नहीं होते, जिससे उनका प्रिंसिपल सेफ रहता है। और ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत पैसे बनाते हैं स्टॉक्स में, उसे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझ के, जबकि जो नॉर्मल स्पेक्यूलेटर लोग होते हैं वो जुआ समझकर अपने बहुत पैसे इसमें डुबा देते हैं। सो इसीलिए बी अ रियल इन्वेस्टर, ना कि स्पेक्यूलेटर। नंबर 2, इन्फ्लेशन। ज्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के पास जब थोड़े ज्यादा पैसे आ जाते हैं नॉर्मल से, तो वो उन पैसों को एकदम सेफ अलमारी के सबसे अंदर वाले खन में छुपा के रख देते हैं, और कई बार कई लोग सालों तक उन पैसों को बाहर नहीं निकालते, ये सोचते हुए कि वहां उनके पैसे बचे रहेंगे और सेफ रहेंगे। पर क्या सच में वो पैसे बचे रहते हैं? आप सबको इन्फ्लेशन और कैसे चीजें हर साल महंगी होती जा रही है ये तो पता ही होगा, बट इसका कितना इम्पैक्ट हमारी कमाई और बचत पर पड़ता है ये हम यूजुअली नहीं सोचते। एक एग्जांपल देके बताऊं तो,
समझो आपके पास 1 लाख रुपए हैं जो मैं आपसे 1 साल के लिए मांगता हूँ। आपको मुझ पर पूरा भरोसा है तो आप मुझे वो पैसे दे देते हो। अब बराबर 1 साल बाद मैं आपको पैसे दे भी देता हूँ, पर उसमें से 8,000 रुपए काट के देता हूँ। ये बोल के मैंने तुम्हारे पैसे सेफ रखे थे, उसका चार्ज है ये। तो क्या आपको ये पसंद आएगा और आप वापस से मुझे पैसे दोगे सेफ रखने के लिए 1 साल? मुझे नहीं लगता। अब एक बात समझो, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 9.5% तक जा चुका है कुछ साल पहले। मतलब उस साल अगर आपने 1 लाख रुपए घर में रखे होंगे तो उसकी वैल्यू 1 साल बाद समझो 9,500 कम हो गई होगी। सो इसीलिए बेस्ट यही है कि हम अपने पैसे घर में छुपा के नहीं रखे बल्कि कहीं इन्वेस्ट करें। बैंक कुछ लोगों के लिए ठीक है, पर बैंक्स यूजुअली बहुत कम रिटर्न्स देते हैं, 6% या उसके आसपास या और कम। और अगर इन्फ्लेशन 6% ज्यादा हो गया उस साल तो समझो वहां भी आपका लॉस हो रहा है। जबकि अगर आप स्टॉक्स में थोड़ा अच्छे से रिसर्च और नॉलेज लेने के बाद या बस इस बुक को पढ़ने के बाद भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे, यकीन करो। और एक और बात, बिना ये बुक के सारे प्रिंसिपल को समझे आप इन्वेस्ट मत करना क्योंकि लॉस हो सकता है। नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टिंग में आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो, स्टॉक्स को उनकी ट्रू वैल्यू से सस्ते में और कम हो जाने पर खरीदने के बाद, या तो फिर स्टॉक्स को सही टाइम पे खरीद कर और सही टाइम पर बेचकर। अब जो लोग टाइमिंग के साथ पैसे बनाने की कोशिश करते हैं वो यूजुअली स्पेक्टेटर्स होते हैं, क्योंकि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये बात समझता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है, आगे कब क्या होगा ये चीज पर दाव लगाना बहुत मुश्किल और गलत हो सकता है। जबकि एक बार प्राइसिंग को ध्यान में रखकर चीजें खरीदने पर काफी पैसे बनाए जा सकते हैं। और प्राइसिंग से कैसे पैसे बना सकते हैं ये आपको मार्केट स्विंग्स की अपॉर्चुनिटी समझकर पता चलेगा। वॉरेन बफेट ने इस बुक के स्टार्ट में ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए थे जिसपे हमारे रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे। उसमें से पहला पॉइंट है आपके एफर्ट्स, दूसरा है आपकी रिसर्च और तीसरा है मार्केट स्विंग्स। मार्केट स्विंग्स अपॉर्चुनिटीज होती है पैसे बनाने की, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है कि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तब नॉर्मल लोग और स्पेक्टेटर्स स्टॉक्स खरीदने लगते हैं ताकि इस ग्रोथ के साथ उन्हें भी प्रॉफिट हो। पर फिर जब मार्केट डाउन होने लगता है तब वो डर के स्टॉक्स बेचने लगते हैं ताकि उनका लॉस ना हो। जबकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं इसका एकदम उल्टा करते हैं, वो स्टॉक्स तब खरीदते हैं जब मार्केट एकदम डाउन हो रहा होता है, क्योंकि तभी उन्हें स्टॉक्स सस्ते में रियल वैल्यू से बहुत कम में मिल जाते हैं। जबकि वो चीजें बेचते तब हैं जब मार्केट में स्टॉक्स की हाइप हो जाती है और ज्यादातर लोग और स्पेक्टेटर्स जब महंगे में स्टॉक्स खरीदने लगते हैं तब। अभी सब इतना सिंपल भी नहीं है, कुछ छोटी चीजें ध्यान में रखते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ये सब करने से पहले जो बुक में बताया गया है, जैसे कि सारे शेयर नहीं बेचना चाहिए, 25% हमेशा होल्ड करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें। बट जनरल सेंस में आपको समझ आ गया होगा कि जब सब प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं तब आप शांत रहो या फिर बेचो, बट जब सब डर के भाग रहे हो तब आप खरीदो सस्ते में। लेकिन अगेन इस बुक के सारे फंडामेंटल सीखने के बाद ही ये सब करो, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नहीं समझना आपको लॉस दे सकता है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक के सारे प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करूं तो मैं जल्दी ही अपनी वेबसाइट seeken.in पे पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा, जहां मैं बुक्स को डिटेल में और ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए समझाऊंगा आपको बातें। वो मैं कब स्टार्ट करूंगा ये आपको मेरे फेसबुक पेज से पता चल जाएगा। सो आप मुझसे वहां जरूर कनेक्ट करें, मैं वहां ज्यादा एक्टिव भी रहता हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दी है। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम इस बुक से बताई है। अगर आपको इन्वेस्टिंग में जरा भी इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट आ रहा है तो ये बुक आप जरूर पढ़े। और ये बस मैं नहीं बल्कि वॉरेन बफेट खुद बोल रहे हैं। और अगर आपको बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है जिससे आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो तो आप मेरी इस बिजनेस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, वहां मैंने बहुत से यूजफुल वीडियोस डाले हैं यहाँ क्लिक करके, या अगेन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो नोटिफिकेशन आने पर ही मेरे वीडियोस देखते हैं उन सबको एक बहुत बड़ा थैंक यू। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।